स्वागत है। आज हम आपको बनाने सिखाने जा रहे हैं एक वॉल हैंगिंग जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं विद द बेसिक मटेरियल। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए A4 शीट, स्केल एंड सीजर, फेविकॉल एंड थ्रेड एंड वन पेंसिल। तो ये आप घर में किसी भी डेकोरेटिव पार्टी, फंक्शंस, बर्थडे पार्टीज वगैरह में आप बना के बहुत इजीली, बहुत जल्दी से बन जाते हैं और इसमें ज्यादा मटेरियल का भी यूज नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें लेनी है A4 शीट, बहुत सारी कलरफुल शीट आप ले सकती हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। उसको हमें मार्क कर देना है, ये A4 शीट है, उसे हमें मार्क कर देना है इक्वल डिस्टेंस पे, हमें मार्क कर देना है। जैसे मैं अभी हाफ हाफ इंच की दूरी पर इसको मैंने मार्क कर दिया है, इधर भी एंड इधर भी। फिर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ स्केल स्ट्रेट लाइन खींच कर कट कर दूंगी। हमें मतलब लंबी लंबी स्ट्रिप्स चाहिए, हाफ इंच चौड़ा। ये मार्केट से भी आती है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इसे ऐसे ही घर पर ही बनाऊंगी। ये देखिए मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है A4 शीट पर और अब मैं इसे कट कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ सीजर। पेपर कटर का भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरह की लंबी लंबी स्ट्रिप्स हमें चाहिए, मार्केट से भी अवेलेबल हो जाती है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं आपको यहाँ पर बना रही हूँ। तो आपका एफर्ट्स बच जाएगा, अगर आप चाहें तो मार्केट से भी इसे परचेज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने स्ट्रिप्स काट ली हैं और अब हमें इन्हें हाफ कर देना है, क्योंकि अगर हम फुल करेंगे तो ये बहुत बड़ा फ्लावर बन जाएगा। आपको अपनी अकॉर्डिंग के नीड के अकॉर्डिंग इसे बना हाफ कर लेंगे। मार्क का सेंटर अगेन, एक फ्लावर के लिए हमें ये 1, 2, 3 एंड 4 स्ट्रिप्स चाहिए। वन बाय वन हम इन्हें एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से अटैच। ध्यान रखना है कि जो स्ट्रिप आपने जिस सीरीज में लगाई थी, जैसे मैंने ये सबसे ऊपर वाली स्ट्रिप ये है, फिर उसके ऊपर ये है और नेक्स्ट अब ये है, तो ये स्ट्रिप हम इसके ऊपर ज्वाइन करेंगे। इससे क्या होगा, सिमेट्री हमारी अच्छी आएगी।
से ऐसे ज्वाइन करके कि आगे पीछे तो नहीं करनी है, उसी अकॉर्डिंग आपको ये एक दूसरे के साथ अटैच करनी है। ये देखिए जैसे ये वाली छोटी है तो ये थोड़ी सी खिंचाव महसूस कर रही है, तो इसे हम क्या करेंगे थोड़ा सा बाहर की साइड हल्का सा बाहर कर देंगे तो इसकी सिमेट्री सेम हो जाएगी। और इसे थोड़ा सा सूखने देंगे। इस तरीके से ये हमने बाउल्स रेडी कर लिए हैं, बहुत सारे कलरफुल बाउल्स रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें एक साथ ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिएस्टर थ्रेड। थ्रेड में भी किसी भी टाइप का हो सकता है, देखिए मेरे पास ये है तो मैं इसी का यूज करूंगी। ये हल्का सा नॉर्मल रील से थोड़ा सा मोटा है, इसको इस तरीके से इसमें डाल दें। देखिए अब हमने ये थ्रेड में डाल लिए हैं। आप चाहें तो ये निडल के भी यूज कर सकते हैं थ्रेड में डालकर, और इस तरीके से ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैंगिंग आपका रेडी हो गया है बनके। इस तरीके से आप बहुत सारे हैंगिंग बनाकर और उन्हें कितनी भी दूरी पर कर आप रेडी करके डेकोरेट कर सकते हैं अपना रूम। देखिए हमारा बनकर रेडी हो गया है, और हम इस तरीके से इन्हें कहीं पर भी एज अ वॉल हैंगिंग भी यूज कर सकते हैं। आप कर्टेन के ऊपर भी इन्हें लगा सकते हैं, एज अ कर्टेन भी यूज कर सकते हैं। पास पास लगाएंगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं और बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ऐसे ही सुपर इजी ब्यूटीफुल सी चीजें पेपर क्राफ्ट देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।